आप सभी का स्वागत है गीता ज्ञान में। गीता एक अनूठा शास्त्र, गीता जीवन को जी जाने का शास्त्र, गीता एक ऐसा शास्त्र जो हमें सिखाता है कि हम जीवन को ऊंचाइयों से कैसे जी जाएं, कैसे संबंधों को मजबूती दें, कैसे व्यापार को मजबूती दें, कैसे स्वास्थ्य को मजबूती दें, वैसे कौन से उपाय हैं जिससे जीवन को भली भांति जीते हुए हम अपनी चेतना के ऊंचे स्तर पर अपने आप को ले आए। गीता एक ऐसा शास्त्र है जो हमें सिखा रहा है कि यह जीवन और वो अर्थात जो आत्म भाव है, जो शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, उसको कैसे सजाएं, संवारें, सुंदर बनाएं, तैयार करें उस आत्मा की अनुभूति के लिए। एक अनूठा शास्त्र है, जीवन का हर प्रश्न यह शास्त्र उसका उत्तर दे रहा होता है। बस जरूरत है गीता को पूरी तरह से अपने जीवन में आत्मसात कर लेने की। हम अध्याय 13 पर हैं, जहां पर भगवान कुछ ऐसी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। यदि वो क्वालिटीज हमारे अंदर आ गई तो हम तैयार हो जाते हैं उस ऊंची स्थिति के लिए, या यूं कहें कि हम तैयार हो जाते हैं आत्म भाव में टिक जाने के लिए। तो श्लोक 8 से प्रारंभ करते हैं। इंद्रियों के विषयों से वैराग्य और अहंकार का अभाव, जरा, मृत्यु, जन्म, व्याधि, दुख और दोषों का बार बार विचार करना। अब यहां पर कह रहे हैं इंद्रियों के विषयों से वैराग्य। पहली बात, साधक जो है उसकी कोशिश हो कि इंद्रियों के जो विषय हैं, आंख रूप की तरफ भाग जाएगी, कान अच्छे शब्द की तरफ भाग जाएगा, नाक अच्छी कहीं गंध हो तो वहां चली जाएगी, जीभ तो स्वाद लेने के लिए दूर दूर तक चली जाती है कि वहां पार्टी करेंगे, वहां खाना खाएंगे, वहां लंच करेंगे, वहां डिनर करेंगे। एक जीभ के स्वाद के कारण से लोग बहुत दूरियां तय कर लेते हैं। इस तरह से ये जो इंद्रियां हैं ये लगातार अपने विषयों की तरफ दौड़ती रहती हैं और हम इनके पीछे पीछे रहते हैं। ये जो चाहती हैं वो हमसे करा लेती। आपने कभी देखा होगा, मन ने कहा चलो मॉल घूम के आते, आंख ने कहा नहीं वहां जाकर तो बहुत कुछ अच्छा देखेंगे, यहाँ घर में ही चार दीवारी में बैठे हैं क्या करेंगे यहाँ घर में बैठे बैठे। तो मन, इंद्रिय जो शक्ति है उसने जोर लगाना शुरू किया। जो आंख देखना चाहती है और रूपों को, उसने जोड़ लगाना शुरू किया, मन को साथ ले लिया। अब धीरे धीरे पूरा सब कुछ साथ हो जाएगा और व्यक्ति कोरोना काल में भी वो कहेगा चलो मॉल घूम के आते। अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं वो इतनी ताकतवर हो जाती हैं, इतनी मजबूत हो जाती हैं कि जो चाहे हमसे करा लेती। हमारी आंख रूप के लिए भाग रही है, कान शब्द के लिए भाग रहा है, नाक गंध के लिए भाग रही है, जीभ स्वाद के लिए दौड़ रही है, त्वचा ठंडी गर्मी मुलायम कठोर के लिए दौड़ रही है, बस दौड़ रही है। और हम भी पागल से हो जाते हैं इनके पीछे पीछे, सोचते हैं कि आंख जो कह रही है वो मैं कह रहा हूं। बस ये बड़ी समस्या है, वो तो आंख की इच्छा थी ना, आपकी इच्छा थोड़ी थी। आंख ने अपनी इच्छा को इतना बड़ा करके दिखा दिया कि वो आपकी इच्छा हो गई। जैसे घर में एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे की इच्छा है खिलौना, वो छोटे बच्चे की इच्छा है, वो समग्र परिवार की और पूरे घर की इच्छा नहीं है। उसको पूरे घर की इच्छा ना बनाओ, उसकी इच्छा है वो भले कब देना है, कितना देना है, देना है नहीं देना है, कौन सा खिलौना है,
वो सब बातों को ध्यान पूर्वक रखते हुए फिर आप खिलौना देते हैं। लेकिन हम कहें कि नहीं, अब तो पूरा परिवार खिलौना लेने बाहर जाएगा, चलो, तो परिवार की इच्छा हमने बना दी। आंख ने चाहा कि रूप देखना है, अब फिर इच्छा प्रकट की कि नहीं मॉल में जाना है। अब आप बाहर निकलकर वॉक भी कर सकते हैं, आप खुले आकाश तले ग्रीनरी में जा सकते हैं, आप छत के ऊपर जा सकते हैं, आप कहीं और बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब इच्छा पैदा हो गई कि मुझे तो शॉपिंग ही करनी है, मुझे तो मॉल ही जाना है, मुझे तो पिक्चर ही देखनी है, तो वो फिर इंद्रिय शक्ति जो इच्छा है वो विषयों की ओर लगातार दौड़ती रहती है। तो जब इस तरह से इंद्रियां आपसे कहे ना, तो ये ना कहना ये मेरा है। ये एक आंख चाहती है रूप देखना, इसलिए ये मुझे लेकर जा रही है। आप पूरा व्यक्तित्व, आंख इतना सा, वो चाह रही है वहीं हम जा रहे हैं। तो पूरी तरह से सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ, और ये हम एकदम क्लियर कर लें कि भैया इसकी इच्छा है, मेरी नहीं है। हाँ, कभी कभी इसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन अपने हमने कंट्रोल किया हुआ है अपने आप। मैं चाहूं तो पूरा करूं, उसको मैं देखूंगा, जांचूंगा, परखूंगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आप प्रार्थना पत्र कहीं भी किसी ऑफिस में देते हैं तो वो सब मंजूर हो जाता है। वो जांचते हैं, परखते हैं, नियम कानून देखते हैं, उसके बाद यदि ठीक लगता है तो पूरा हो जाता है। ऐसी आंख की यदि इच्छा उठी, इंद्रियों की इच्छा उठी विषयों में जानने की, तो मन के स्तर पर आएगी वो फाइल, फिर बुद्धि के स्तर पर आएगी वो फाइल, फिर विवेक के स्तर पर आएगी वो फाइल, और फिर विवेक उसको कहेगा कि ये ठीक है या ठीक नहीं है। क्योंकि विवेक हर एंगल से उस बात को समझेगा, उसकी गहराई को समझेगा, लंबाई को समझेगा, ऊंचाई को समझेगा, मोटाई को समझेगा, हर स्थिति से अब विवेक उसको जांचेगा, परखेगा। जैसे हीरे को जांचा परखा जाता है, ऐसे एक एक इंद्रियों के विषयों में जाने की इच्छा यदि विवेक द्वारा जांची परखी जाए तो इंद्रियों के विषयों से वैराग हो जाता है। क्योंकि अब आंख चाह रही है, विवेक ने मना कर दिया, बात खत्म। अब आंख की नहीं चली ना, आंख देखेगी। ये थोड़ी है कि इंद्रियों का वैराग्य का मतलब है कि आंख देखना बंद कर देगी। आंख देखेगी, लेकिन वो देखेगी जो विवेक चाहेगा, वो खाएगी जो विवेक कहेगा, वो सुनेगी जो विवेक कहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी सुन ले, और वो देखेगी जो विवेक कहेगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल पर तो आज सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, आप जो देखना चाहें आप देख लें। आप जो देख रहे हैं उससे आपके अंदर स्थिति का पता लगता है कि आप क्या देख रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर आता है, उसमें सारी न्यूज उपलब्ध है। आप चोरी की देखना चाहते हैं, आप मर्डर देखना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स की देखना चाहते हैं, आप फाइनेंस की देखना चाहते हैं, आप क्या देखना, देश विदेश की देखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं, जहां रुचि है वहीं तो अटक जाते हैं। या आप उसमें कुछ आध्यात्मिक कॉलम होगा स्पीकिंग फ्री, आप वो पढ़ लेना चाहते हैं। तो आप क्या, अंदर की रुचि क्या है आपकी, उससे पता लग जाता है कि आप कहां टिक रहे हैं। तो इंद्रियों के विषयों से वैराग्य का मतलब है कि इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेना, अपने कंट्रोल के हिसाब से, अपने हिसाब से, विवेक के हिसाब से इंद्रियों को जाने देना। तो ऐसा करने से हमारा अधिकतर जीवन में जो सारी जो हलचले हैं ना, उपद्रव हैं, ये सब थम जाएंगे। हमारे उपद्रवी इंद्रियों के, इसने कहा, आंख ने कहा, भाग गए, कान ने कहा, भाग गए। हम भागे रहे हैं इंद्रियों के कारण से। ऐसे ही कि जैसे घर में कोई नौकर हो और उसकी इच्छा ही हम अपनी इच्छा कर लें, और पूरा परिवार लगा हुआ है नौकर की इच्छा करने, और नौकर रोज इच्छा कर रहा है, बार बार इच्छा कर रहा है, और जैसा वो कह रहा है हम वही करते जा रहे हैं। अब आप नौकर हैं या वो नौकर है? इंद्रियां हमारी नौकर हैं, इंद्रियां हमारी सहायक हैं, इंद्रियां हमें मिली हैं सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए, हम उसी में फंस गए। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इंद्रियों के विषयों से वैराग्य हो और अहंकार का अभाव हो। अभी अहंकार भी बड़ी बला है, ये भी बस जलती आग है, मौका मिलते ही एकदम उभर के आती है। अहंकार मिला था अपनी सुरक्षा के लिए, अपने को
देखभाल के लिए, मैं मेरा और मेरे वालों के दायरे को बल देने के लिए, लेकिन हमने सारी एनर्जी वहीं अटका दी और हर चीज अहंकार से भर दी, हर कर्म को अहंकार में नाप दिया, हर विचार में अहंकार ले आए, हर ख्याल अहंकार से ओतप्रोत हो गया। हमारा हर एक्शन किसी भी रूप में हो, हम कहीं प्रियजन के जाते हैं या कोई हमारे आता है, आपका अहंकार कहीं ना कहीं झलक आता है। आप कोई नई गाड़ी खरीदो, आप लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं अहंकार से कि अब मैं कुछ हो गया, अब मैं वो नहीं रहा जो तुम जानते थे, कुछ विशेष हूं, अब धनी हूं, अब तुमसे बेहतर हूं, ये तुमसे बेहतर हूं, यही तो अहंकार है। या अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो दुखी हूं, परेशान हूं, ये भी नहीं सुनता, वो भी नहीं सुनता, बच्चे भी नहीं सुनते, मेहनत तो बहुत की है लेकिन धन तो आया ही नहीं है, पद तो मिला ही नहीं है, कोई सबको मिल गया मुझे ही नहीं मिला, मेरी कीर्ति कभी तो होती नहीं है। व्यक्ति रोते ही रहते हैं, अधिकतर लोग तो रो रो कर ही जीवन बिताते रहते, वो सारी शिकायतों से भरे रहते, जैसे गुब्बारा हवा से भरा रहता है, कुछ लोग शिकायतों से भरे रहते। अभी जो शिकायतें हैं, मन का निचला स्तर है, ये भी अहंकार है। और एक है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे विशेष हूं, मैं ही मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये भी अहंकार का ऊपर का स्तर है अहंकार का ही। तो ये जो अहंकार के हिचकोले हैं, ये यदि हैं सुख और दुख, अहंकार का एक ऊंचा स्तर सुख, निचला स्तर दुख, लाभ और हानि, ऊपर का स्तर लाभ, नीचे का स्तर हानि, मान और अपमान, ऊपर का स्तर मान, चूंकि अहंकार को मान चाहिए और जब ना मान ना हो तो अहंकार सबसे निचले स्तर पर आ जाता है, अपमान में आ जाता है। जय और पराजय, जय जब होती है कुछ हम जीतते हैं, कुछ अपने अनुकूल कार्य निकलवा लेते हैं, करवा लेते हैं, जीत जाते हैं, विजेता हो जाते हैं, तो हम अहंकार के ऊंचे स्तर पर चले जाते हैं, और कोई जीत जाता और हम हार जाते हैं तो अहंकार के निचले स्तर पर आ जाते हैं। ऐसे ही ये अहंकार हमको ऊपर और नीचे हिलाता रहता है, जीवन में एक जैसा लेकर नहीं आता। जीवन एक जैसा हो, अहंकार के कारण से उसमें भिन्नताएं रहती हैं। मन की स्थिति एक जैसी हो, भिन्नताएं बाहर हैं, मेरे अंदर ना हो, तो अहंकार का अभाव हो। फिर आगे कह रहे हैं और बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और दोषों का बार बार विचार करना, विचार करना। किसका विचार करना? जिनका हम करते नहीं। पहली बात, जन्म का विचार करना। कहां हम जन्म का विचार करते हैं? जन्म का विचार एक बहुत ही ऊंची साधना है। महावीर जी ने इस पे बहुत काम किया है। पूर्व जन्म और ये जन्म, यदि जन्म का विचार उत्पन्न हो जाए, अभी तो हमें पता ही नहीं है। हमारा जब जन्म हुआ था, सबका हुआ है, आपको याद है कब हुआ था, दिन में हुआ था, रात को हुआ था, कब आपने सबसे पहले आंख खोली और आप सबसे पहले रोना शुरू किया और बाहर के दुनिया को देखा, कब? और जब आप हुए तो बिल्कुल कपड़े विहीन नंगे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और आपकी आवाज बड़ी अजीब थी। उसके बाद वैसा कभी हमने रोया ही नहीं, वो आवाज जैसे बिल्ली की हो और बच्चे की हो, मिक्स करके कुछ होती है। जन्म का तो हमें विचार ही नहीं करते, पता ही नहीं, केवल बोल देते मेरा जन्म, लेकिन जन्म का थोड़ी पता है। गहरे स्तर पर जब हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तो जन्म का विचार होने लगता है। ये एक जन्म का विचार अनेक जन्मों के रहस्यों को खोल देता है। जन्म का विचार जन्म से ऊपर उठने के लिए है। ये बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये बार बार जन्म और मरण की जो प्रक्रिया है, इसको तोड़ने की प्रक्रिया है जन्म का विचार। हम विचार नहीं करते, और साथ साथ कह रहे हैं मृत्यु का विचार।
हम मृत्यु का भी विचार नहीं करते, मृत्यु से डरे रहते। दोनों में बहुत गहन अंतर है, मृत्यु का डर और मृत्यु का विचार। मृत्यु का विचार मृत्यु से ऊपर उठाता है, जन्म का विचार जन्म से ऊपर उठाता है। जब जन्म का विचार होता है तो विचार करने वाला तो कौन है? जिसका जन्म हुआ वो थोड़ी करेगा। आत्मा का जन्म नहीं हुआ, शरीर का जन्म हुआ। आपने शरीर के जन्म का विचार किया और किया कि ये जन्म क्यों हुआ, क्या कारण था इस जन्म का, क्या था ऐसा कि ये जन्म हुआ और इस जन्म में क्या पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है, क्या सर्व उत्तम क्या है मेरे लिए। तो जैसे जन्म का विचार होगा तो याद आ जाएगा कि मैं ये जन्म मिला है मुक्ति के लिए, अपने आप को जान लेने के लिए। ये जन्म है अंतिम, जन्म का विचार अंतिम जन्म की ओर ले जाता है। फिर मृत्यु का विचार, जन्म को तो हम याद नहीं करते जो घटा हमारे साथ। मृत्यु पता नहीं कब होगी, पता नहीं, कभी भी हो सकती है। ये सांस है अगला है नहीं पता नहीं, एक साल दो साल पांच साल दस साल बीस साल पचास साल पता नहीं, होगी कभी ना कभी घटेगी, क्योंकि जब जन्म हुआ था तो मृत्यु पैदा हो चुकी थी। जन्म के साथ माता ने जन्म को भी जन्म दिया तो मृत्यु को भी जन्म दिया, दोनों पैदा हो गई। जन्म होते ही यात्रा मृत्यु की शुरू हो जाती है। जन्म के बाद यदि कोई यात्रा है तो वो मौत की यात्रा है और कोई यात्रा नहीं। उत्पन्न के बाद नाश की यात्रा होती है, उत्पत्ति के बाद प्रलय की यात्रा होती है। बीच में पड़ाव है, वो चलते रहते हैं, लेकिन अंतिम तो वहीं पहुंचना होगा। तो मृत्यु से हम डरे रहते हैं, जो पता नहीं कभी घटेगा, जो घट चुका है जन्म उसका विचार नहीं, मृत्यु से डरे हैं। भगवान कह रहे हैं मृत्यु का भी विचार करो। ये मृत्यु का विचार कि मृत्यु क्या है, आखिर मृत्यु क्या लेकर जाएगी, आखिर किसकी होगी, कैसे होगी, मेरी होगी, मैं तो जन्मा ही नहीं तो मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। तो जब मेरी मृत्यु है ही नहीं तो फिर किसकी है, जो जन्मा उसकी है, फिर कौन जन्मा, ये शरीर जन्मा, क्या लेके जन्मा, मन बुद्धि अहंकार और चित्त और संस्कार लेकर जन्मा, क्योंकि ये पहले से चले आ रहे हैं। लेकिन इसको चलाने वाला जो आत्मा है वो नहीं जन्मा, वो तो पहले से ही था विद्यमान। तो मृत्यु किसकी हुई, जो जन्मा, तो मैं तो पहले से विद्यमान था और जब मृत्यु होगी तब भी वैसे ही विद्यमान खड़ा रहूंगा। जो जन्मा वो मर जाएगा, मैं न जन्मा मैं तो मौत को ही प्राप्त नहीं होऊंगा क्योंकि मैं पहले से ही अमर हूं। तो जब ये भाव मृत्यु का विचार करते हैं तो मृत्यु के साक्षी हो सकते हैं। मृत्यु घट रही हो और हम देख रहे हो कि मृत्यु हो रही, जैसे घर से आप पुराना फर्नीचर निकालो और फर्नीचर जा रहा है और आप देख रहे हैं फर्नीचर जा रहा है, आपका ही था शायद 20-30 साल पुराना फर्नीचर था और अब आप कह रहे हैं कि नया घर बनाना है तो पुराना फर्नीचर निकाल देते हैं। आप देख रहे हैं उसको जा रहा है पर आप खुश ही, कोई रो थोड़ी रहे हैं, परेशान थोड़ी हो रहे हैं, आपका ही फर्नीचर था, जब से जन्मे थे तब से देख रहे थे, अब तक देख रहे हो, साक्षी होकर देख रहे हो, परेशान नहीं हो। ऐसे ही जब शरीर जाए तो ऐसी साक्षी हो जाओ और देखो कि ये जा रहा है। मृत्यु का विचार मृत्यु से ऊपर उठा देता है। अभी मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है, सारे डर इसी मृत्यु के डर के आधार पर खड़े हैं हमारे यहां, सब डरते हैं मौत से, तो सभी डरते हैं, बड़े से बड़ा फन्ने खा भी मौत से डरा बैठा होता है। जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो मौत का डर ज्यादा खड़ा हो जाता है, इससे सिक्योरिटी को ज्यादा बढ़ा दिया जाता है कि कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि अब डर उतना ही बड़ा हो गया। और जब व्यक्ति ज्यादा बड़ा नहीं है, सबसे छोटा ही है,
तो उसे मौत का भी डर उतना नहीं होता। तो मृत्यु का विचार मृत्यु से ऊपर उठाने के लिए सहायक होगा। मौत का विचार, हम मौत को दूर रखना चाहते हैं, उसको झटक देना चाहते हैं, चाहते हैं कि शायद जब मृत्यु के बारे में कोई खबर हो तो अरे मर गया, कहीं सोचते हैं मैं नहीं मरा, मैं नहीं मरूंगा, वो मर गया, उस पर थोड़ी सी हमें दया कर लेते हैं। मृत्यु जब किसी की घटे तो मृत्यु कुछ कह रही है, कुछ याद दिला रही है, कुछ बताना चाहती है प्रकृति। वो सूचनाएं यूं ही नहीं है, सूचनाओं से कान नहीं बंद करो, मुंह नहीं फेरो, उसका विचार करो। मृत्यु का विचार मृत्यु से ऊपर उठा देगा, यहां कुछ भी नहीं ठहरता, सब जाता है। मृत्यु का विचार, हम तो घर में छोटे बच्चे होते हैं, कोई डेथ हो जाए तो बताना पसंद नहीं करते, अरे बच्चों क्या बताएं, मौत से छुपाने लगते हैं। यदि मौत से छुपाने लगे तो फिर अंदर भीतर क्रांति कैसे उत्पन्न होगी। बुद्ध जब तक बुद्ध नहीं थे, राजा राजकुमारी थे, तो मौत छुपाई जा रही थी, वृद्धावस्था छुपाई जा रही थी, बीमारी छिपाई जा रही थी, वो छिपाया जा रहा था, छिपाने से कुछ घटता थोड़ी है, वो तो और गहरे स्तर पर हमारे अंदर कहीं और पक्का हो जाता है। लेकिन जब उन्होंने देखा तो उससे ऊपर उठ गए, क्योंकि उन्होंने विचार किया। हम विचार नहीं करते मृत्यु का, हम डरे रहते हैं मृत्यु से, इसलिए मृत्यु डराती रहती है। आप कभी बंदर को देखना, आप बंदर से डर के भागोगे, बंदर आपके पीछे भागेगा, आप और तेज भागोगे, वो और तेज भागेगा। ऐसे ही हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, चारों तरफ आंख खुली तो देखा बंदर ही बंदर बैठे, बहुत जगह बहुत बंदर होते हैं, तो उठे और थोड़ा तेजी से चले तो बंदर भी पीछे पीछे चले, थोड़ा भागे तो बंदर भागे, ठहर गए, ठहर कर पलट कर बंदर के सामने खड़े हो गए, बंदर लौट कर चला गया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि ऐसे डर से भागोगे, भय से भागोगे, ख्यालों से भागोगे तो तुम्हारा पीछा करेंगे, ठहर जाओ, उसका विचार करो, वो चले जाएंगे। मृत्यु का विचार करो, मृत्यु का डर चला जाएगा। मृत्यु का विचार ही मृत्यु के डर से ऊपर उठा सकता है, और कोई नहीं उठा सकता। आगे कह रहे हैं कि जरा का विचार करो, बुढ़ापे का विचार करो। क्या है बुढ़ापा? हम बुढ़ापे से डरे रहते हैं, अरे मेरे बाल सफेद ना हो जाए, झुर्रियां ना पड़ जाए, अरे शरीर कमजोर ना पड़ जाए, अरे ये बीमार वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं बूढ़ा ना दिखाई दो, सारे प्रयोजन करते हैं। कुछ लोग तो प्लास्टिक सर्जरी कराए रखते हैं, वो खिंचाए रखते हैं अपनी गालों को, वो खिंचाए रखते हैं कान के पीछे सर्जरी कराकर टाइट कर देते, इतना टाइट कराते हैं बार बार कि झुर्री ना दिखाई दे जाए, बूढ़े ना दिखाई दे जाए। आज जब आप पूरा टाइट करा ही लोगे तो आपका मुंह तो पूरा खुलेगा ही नहीं, ना आप अच्छी तरह चबा पाओगे, ना मुंह खोल पाओगे, ना कभी गोलगप्पा खा पाओगे, ना कभी खुलकर हंस पाओगे। और जो लोग इस तरह से सर्जरी में चले जाते हैं उनको बहुत ही मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो हंसना ही भूल जाते हैं, ठहाके लगाना ही भूल जाते हैं। तो बुढ़ापे से बचने से बात नहीं बनेगी, बुढ़ापे का विचार करना। बुढ़ापा घटेगा, जब जवानी का मजा लिया तो बुढ़ापे का भी आनंद लो, शरीर का है आपका थोड़ी है। आप जब ये कहो कि मेरा बुढ़ापा, तो आपका बुढ़ापा कैसे हुआ? यदि आपने कहा कि मेरा बुढ़ापा, तो इसका मतलब हुआ कि आपने अपने आप को शरीर समझा, मैं बूढ़ा हूं, आपने अपने आप को शरीर कहा। आत्मा बूढ़ी नहीं होती, आत्मा जवान नहीं होती,
आत्मा तो आत्मा है, और यदि आपने विचार किया उस बुढ़ापे का, तो विचार करने की प्रक्रिया किसने किया? विचार शरीर के बुढ़ापे का विचार किसने किया? आत्मा से विचार हुआ तो आप अलग हो गए और शरीर अलग हो गया, तो बुढ़ापा आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप उसका भी आनंद ले रहे हैं, आप देख रहे हैं साक्षी होकर। जन्म से लेकर बुढ़ापे और मृत्यु तक के आप साक्षी बने बैठे हैं, आप विचार कर रहे हैं। और केवल बुढ़ापे का ही नहीं, बुढ़ापे में या जवानी में होने वाले बीमारियों का भी आप विचार कर रहे हैं, व्याधियों को भी आप देख रहे हैं। व्याधियों का विचार व्याधियों से ऊपर उठा देता है। जब व्यक्ति को ये पक्का हो जाए कि मैं बीमार हो गया हूं, मैं तो बीमार ही हो गया हूं, तो वो बीमार हो जाए। बार बार व्याधि का चिंतन करने से, विचार करने से व्याधि और बढ़ती है। व्याधि का विचार नहीं करते हम, असलतः व्याधि से डर के विचार करते हैं। ये विचार जो भगवान कह रहे हैं वो डर का नहीं है। व्याधि को देखो, समझो, जानो, उसका विचार करो, ये बीमारी क्यों आई, क्या कारण था, कल क्या खाया, क्या किया, कारण को ढूंढो, उसका विचार करो। फिर अब बीमारी आ गई तो क्या खाना है, क्या पथ्य हो, क्या अपथ्य हो, क्या दिनचर्या हो, क्या दवाई लेनी है, क्या घरेलू नुस्खे लेने हैं, कौन से तरीके अपनाने हैं, ये विचार से ही तो पता लगेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी बीमारी का डॉक्टर विचार करके आपको कुछ बताता है, लेकिन आप भी तो अपने डॉक्टर बन सकते हैं। आप भले डॉक्टर के पास जरूर जाएं, क्योंकि जो उसको पता है वो आपको नहीं, लेकिन आप उस बीमारी से अपना तादात्म्य तो स्थापित ना करें, अपने को जोड़े तो नहीं, आप ही बीमार हैं, तो ये तो फिर बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो गई, क्योंकि आपने बीमारी को अपने ऊपर आरोपित कर लिया। थी शरीर की बीमारी, मन पर ले आए, बुद्धि पर ले आए, अहंकार पर ले आए, चित्त पर ले आए, चेतना पर ले आए, उस बीमारी को जो बहुत ही बाहर की थी ऊपर तक ले गए, उसके कारण से वो बीमारी गहरी होती चली गई। बीमारी से ऊपर उठना हो तो बीमारी का विचार करो, बीमारी से अपना डिटैच करो, साक्षी हो, बहुत साक्षी होकर चीजों को देखो, स्कैन करो दिनचर्या को, क्या ठीक है क्या गलत है, बस आप देखेंगे बीमारी से आप ऊपर उठते जाए। क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा यदि कोई चीज हिलाती है तो बीमारी हिलाती है, बीमारी का हिस्सा बनने से बीमारी हिला देती है, और बीमारी का विचार करने से बीमारी से ऊपर उठ सकते हैं। बीमारी का विचार करना है, व्याधि का विचार करना है, व्याधि से डरना नहीं, परेशान नहीं होना, और व्याधि को नजरअंदाज नहीं करना। व्याधि आई है, आंख बंद करके व्याधि नहीं चली जाए। यदि वो बिल्ली के आने पर कबूतर आंख बंद करके बैठ जाए और सोचने लगे कि अरे बिल्ली चली गई है, क्योंकि आंख के आगे तो दिख नहीं रही है, अंधेरा है, बिल्ली तो दिख नहीं रही है, तो बिल्ली कहाँ है, तो ऐसा थोड़ी है बिल्ली चली गई है, बिल्ली तो खड़ी है और पास आ गई, और पास आ गई और खा गई कबूतर को। ऐसे ही हम बीमारी से मुंह मोड़ लेते हैं, थोड़ा सा कुछ हो रहा था, अरे छोड़ो, अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही है, कुछ नहीं है, हम आंख नजरअंदाज किए जा रहे हैं, इंडिकेशन आ रहे हैं अंदर से, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। विचार का मतलब है कुछ भी इंडिकेशन, शरीर का विचार करो, क्या शरीर की अपनी एक भाषा है, पूरे शरीर के अंगों की अपनी एक भाषा है, वो अपनी भाषा में दर्द के रूप में, कमजोरी के रूप में, किसी फड़कन के रूप में, किसी भी वाइब्रेशंस के रूप में आपसे बात करना चाहती है, कहना चाहती है कि मुझे ये समस्या हो गई है, आप ध्यान दो। और हमारा ही ध्यान कहीं और था, हम अपने व्यापार में लगे हुए थे, हमारा होश ही नहीं था। वो बार बार कह रही है, वो कमर बार बार कह रही है, भैया आप थोड़ा दर्द हो रहा है, आप ध्यान नजरअंदाज किए जा रहे हो, फिर क्या होता है, स्लिप डिस्क हो जाती है। तो यदि विचार करना शुरू करेंगे तो उसका ध्यान देना शुरू करेंगे, ध्यान देंगे तो व्याधि बहुत ही शीघ्रता से चली जाएगी। व्याधि आई थी छोटे रूप में, जब व्याधि छोटी होती है उसका जब इलाज किया जाता है तो इलाज भी छोटा होता है, और चूंकि व्याधि ही छोटी थी तो वो जल्दी चली भी जाती है। और यदि वो छोटी बीमारी थी, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वही छोटी बड़ी हुई,
थोड़ी और बड़ी हुई, थोड़ी और बड़ी हुई, वो बड़ी होती चली गई और इतनी बड़ी हो गई कि उसका इलाज होना संभव नहीं। इतनी बड़ी हमने कर ली कई बार। विचार करने से व्याधि का बड़ा होना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपने विचार कर लिया शुरू में ही, रोकथाम कर लिया आपने पहले। वो घर में जाली का दरवाजा थोड़ा सा खुला रह जाए तो एक मच्छर आया, अरे आपने देखा एक मच्छर है, तो आपने रात को ढूंढा मच्छर कहां से आया, उस जाली को बंद कर दिया। अभी एक ही मच्छर था, उस मच्छर को आपने किसी ना किसी रूप में या तो बाहर निकाल दिया किसी भी तरह से, अब आपने अपना बचाव कर दिया। अब आपने एक मच्छर आया, सोचा एक ही मच्छर है क्या हो गया, आप सो गए, उस जाली से तो फिर तो अनेक मच्छर आ जाएंगे, एक मच्छर फिर अनेक मच्छर, रात भर आपका उपद्रव कर देंगे, अब आप भगाओ कैसे भगाओगे उनको, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रारंभ में विचार करने से समस्या का, व्याधि का, बीमारी का इलाज हो सकता है, नजरअंदाज करने से वही नासूर बन जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं, और दुख और दोषों का बार बार विचार करना, कोई दुख घटे उसका ही विचार करो, दुख का कारण तो मैं ही हूं, दुख का कारण कौन है हमारे, कोई अड़ोसी पड़ोसी है, दुख का कारण कोई दूसरा कैसे हो सकता है, क्योंकि दुख बाहर कहीं है ही नहीं, दुख है ही मेरे अंदर, दुख तो मैंने थोपा है, आरोपित किया है अपने ऊपर, बाहर तो कहीं दुख ना था, मेरे अनुकूल काम ना हुआ तो दुख अनुकूल हो गया सुख। तो दुख यदि लगे तो उसका विचार करना, क्या है ये दुख, क्यों आया, कहां से आया। दुख का विचार करने से दुख छुमंतर हो जाता है, लेकिन हम दुख का विचार न करके दुखी हो जाते हैं। दुख का विचार करना है ना कि दुखी होना है। तो विचार कैसे करेंगे, दुख है तो आप उसके साक्षी होकर देखना तो शुरू करो, उसे थोड़ा सा दूरी तो बनाओ, और दूरी बनाकर उसको देखो तो आप पाएंगे कि दुख तो बेकार का है। यदि कोई दुख है भी तो आपके दुखी होने से क्या वो चला जाएगा, क्या वो परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, परिस्थितियां विपरीत हैं, आप दुखी हो गए, डॉक्टर के पास से पेशेंट जाए लथपथ खून में, अब डॉक्टर ही दुखी हो जाए, अरे भैया, तो वो दुखी हो गया तो फिर वो इलाज नहीं कर पाएगा, उसको साक्षी होना पड़ेगा, उसको दूरी बनानी पड़ेगी और फिर वो इलाज कर सकता है। इसलिए एक व्यक्ति मन से परेशान है तो वो फिर एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, मनोवैज्ञानिक के पास जाता है, वो उससे थोड़ा दूरी बनाकर उसके मन को देखता है, उसके मन पर विचार करता है, उसके मानसिक दुख पर विचार करता है। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अपने दुखों पर विचार तो करो, दुखी क्यों होते हो, जुड़ते क्यों हो, चिपकते क्यों हो दुख से अपने, उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, क्या है दुख, क्यों आया, क्या कारण है, मैं दुखी क्यों हो रहा, आखिर ऐसा हो क्या गया। ये दुख का विचार करने से हम दुख से ऊपर उठ जाते हैं, सुख का विचार करने से हम सुख से ऊपर उठ जाते हैं, दुख का विचार हमें सुख और दुख, सुख का विचार सुख और दुख से ऊपर उठाने के लिए है। विचार का मतलब है मैं दुखी नहीं, कोई और दुखी है, मैं विचार कर रहा हूं, और जब विचार कर रहा हूं आपने अपनी शक्ति को थोड़ा खींच लिया, दुखी स्थिति को खींच लिया, तो दुख दुख नहीं रहा, छुई मंतर हो गया। तो दुख का विचार करो और दोषों का विचार, जो भी दोष है हमारे अंदर उसका विचार करो। जो भी जीवन भर, भगवान ने यहां बड़ी खूबसूरती से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और दोष इनका विचार करने के लिए कहा है, इसमें उलझकर फंसकर डरकर दुखी होकर जीवन को जीने के लिए नहीं कहा, क्योंकि यही जीवन भर दौड़ते रहते हैं, या तो कोई दोष होगा, कोई विकार होगा, कोई दुख होगा, कोई बुढ़ापा, कोई बीमारी, कोई मौत का डर और अपना जन्म, इसमें ही तो हम रहते हैं।
इसी का विचार कर लो, इनसे ऊपर उठ गए। एक बहुत ही गहरा अध्यात्म अपने जीवन में उतार लेने के लिए ये विचार की बात यहां पर भगवान ने प्रयोग के रूप में बताई। आगे बढ़ते हैं। भगवान अब 9वें श्लोक में कहते हैं कि पुत्र स्त्री, ये अध्याय 13 चल रहा है, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में अनासक्ति और ममता का न होना तथा प्रिय एवं अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। अब एक और बात भगवान कह रहे, पुत्र स्त्री घर और धन, पुत्र स्त्री घर और धन, क्योंकि अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो स्त्री कहा, यदि किसी स्त्री को उपदेश दे रहे होते तो पुरुष कहते। क्योंकि अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, इसलिए पुत्र कहा, उसकी पुत्री होती तो पुत्री कहते। तो संबंध जो हमारे सबसे नजदीकी संबंध है, स्त्री पुरुष, पति पत्नी और बच्चे, जो इमीडिएट फैमिली है, उसमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहता है, हम जुड़े रहते हैं, अच्छा है। लेकिन वहीं जुड़े रहें, उनकी हलचल हमारी हो जाए, तो फिर एक सीमा तक तो कोई चीज अच्छी होती है, एक सीमा के बाद वही हमारे ऊपर इतना प्रभाव डालती है कि हम अपनी वो जो जीवन की आध्यात्मिक यात्रा है उससे हट जाते। सामाजिक दृष्टिकोण से जो उपयोगी होता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जरूरी नहीं कि वो उपयोगी हो। धन का ज्यादा होना सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं, निर्धन भी परमात्मा तक पहुंच सकता है। समाज की व्यवस्था के लिए आपका घर में घर होना बहुत जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए आप जंगल में भी जाकर बिना घर के भी आप उस ऊंची अवस्था को पा सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था में शादी करना, बच्चे होना बहुत जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए, आत्मा को पाने के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं। जो सामाजिक स्तर पर जरूरी हो जाता है, एक दूसरे ही डायमेंशन पर वो जरूरी नहीं रहता। भारत का नियम भारत में कार्य करेगा, अमेरिका का नियम अमेरिका में कार्य करेगा, सबके अपने अपने लोग होते हैं। जब एक सामाजिक प्राणी है तो वहां पर पुत्र स्त्री धन घर सब में आसक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां पर भगवान बात कर रहे हैं भक्ति की, बात कर रहे हैं मुझे कैसे पाए। यदि हमारा ध्यान ही घर में, परिवार में, स्त्री में, पुरुष में, धन में है, तो उसकी तरफ ध्यान कब जाएगा? जाएगा तो जब इन घर परिवार में धन दौलत में थोड़ी हलचल होगी तो जाएगा, बिना यहां हलचल हुए तो वहां जाएगा ही नहीं, कहां ध्यान हम करते हैं। तो ये जो आसक्ति है, ये जो ममता है यहां पर, ये हमको हिलाती है, चित्त की हलचल का कारण यही बने रहती। आप कभी देखना व्यक्ति यहां से निकल ही नहीं पाता, पूरी उम्र बीत जाती है वही रूटीन में, जो कार्य हो रहे हैं उसी कार्य में बोर हो जाता है व्यक्ति कि अरे वही सुबह होती है, वही सांझ होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, ऐसी बीत जाए। लेकिन बीती सुजित निबीती, उसका तो गम नहीं है, बाकी जो बची है उस पर ध्यान देना। वहां भी यदि ऐसे ही बिताएंगे तो जो अभी हाथ आया है वही आगे हाथ आने वाला है, घर बड़ा हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा, यहां हाथ कुछ आता ही नहीं है। हमें लगता है कि बहुत कुछ मेरे हाथ में है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, ये केवल मन का एक बहम है, एक ख्याल है, और ख्याल का होना अच्छा है।
गालिब कहते ना ख्याल का होना अच्छा, एक ख्याल में हम जीवन जी जाते। तो भगवान यह कह रहे हैं कि पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति और ममता का न होना। अब आसक्ति का मतलब हुआ कि सारी की सारी ऊर्जा शक्ति एनर्जी आपने धन को कमाने में लगा दी। और लोग होते हैं सुबह उठते ही उनका व्यापार शुरू हो जाता है और रात तक उनका व्यापार चलता रहता है। वो घर पे भी होंगे तो भी मोबाइल पे बस वही अपना धंधा ही शुरू कर देंगे। धन के अलावा उनके मन में कुछ और पड़ा नहीं होता। धन ही बड़ा है, सबसे बड़ा अब रुपया उनके लिए हो चुका होता है। दिन भर काम करते हैं, ना खाने का टाइम ना पीने का टाइम, रात भर काम करते हैं ना सोने का टाइम। धन ही इतना बड़ा हो जाए तो धर्म तो छोटा हो गया, क्योंकि धन बड़ा कर दिया। उसकी एक सीमा है जीवन में, धन ही सब नहीं, लेकिन जीवन में धन बहुत उपयोगी है, आवश्यक है। लेकिन अब आप धन के ही पीछे रहे, धन के ही पीछे रहे तो धन तो आ जाएगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अंदर से सुकून है, शांति है, समरसता है, सरलता है, सौम्यता है, कोमलता है, दिव्यता है, प्रेम है, वो तो सब खो जाएगा। क्योंकि हम तो भाग गए उस तरफ, हम तो एकदम ऐसे हो गए जैसे कपड़े फट गए हों किसी के, व्यक्तित्व फट जाता है पूरी तरह से, प्रेम कहीं खो जाता है, परिवार का नहीं रहता व्यक्ति। जब सामाजिक स्थिति व्यक्ति की बढ़ रही हो, बाहर पद प्रतिष्ठा कीर्ति बढ़ रही हो, तो समझो कि पीछे उसके घर के संबंध कमजोर हो रहे। यदि वो बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो घर कमजोर हो रहा है, घर की तरफ बढ़ रहा है तो बाहर कमजोर हो रहा है। जो घर में ही रह जाते हैं वो धन नहीं कमा पाते, जो धन में ही रह जाते हैं वो घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं। ये ऐसे ही चलता रहता है। एक संतुलन का बना होना बहुत ही आवश्यक होता है, और ये संतुलन शक्ति सबके पास नहीं होती। संतुलन हो तो ऊपर उठ सकते हैं, अभी तो संतुलन ही नहीं आया। तो भगवान ने कहा अनासक्ति और ममता रहित होना, पहले तो उसमें संतुलन तो लेकर आए, उसको बैलेंस तो करें, उसको कंट्रोल तो करें। आपको कार को यू टर्न करना हो और आपकी कार 120 की स्पीड से एक्सप्रेसवे पे दौड़ रही हो, तो यू टर्न करने के लिए तो आपको स्पीड को कम करना होगा, कंट्रोल बढ़ाना होगा, लेन चेंज करनी होगी, और एक जगह पर पूरी तरह से थाम कर फिर टर्न करना होगा। एक पूरी व्यवस्था होगी यू टर्न करने की। एकदम यू टर्न करोगे तो पूरी तरह से ना कर पाओगे, कर भी नहीं पाओगे और तहस नहस और कर बैठोगे। तो अनासक्ति और ममता रहित एकदम यू टर्न नहीं है, इसके स्टेप है, तरीके हैं। धीरे धीरे ही आप अनासक्त हो सकते हैं। तो धीरे धीरे तब होंगे जब पहले हमने बैलेंस तो किया होगा। तो बैलेंस करो, संतुलित करो घर को और व्यापार को। ये जो बैलेंस यदि आ गया तो आप वहां से उठ सकते हैं, निकल सकते हैं। इम्बैलेंस ही फंसाता है। हम व्यापार में ज्यादा फंस जाते हैं क्योंकि इम्बैलेंस कर दिया था हमने अपनी एनर्जी को, अपने समय को, वो फंस गए उसमें जाकर, अब निकलना मुश्किल है क्योंकि इम्बैलेंस था। बैलेंस होता तो फिर कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारी आप दुकानें देखो, भैया 3 बजे तक ये सामान मिलेगा या शाम को 7 बजे तक, उसके बाद दुकान बंद। बैलेंस किया हुआ, ग्राहक 10 खड़े हों, 20 खड़े हों, 100 खड़े हों, अब धन के पीछे नहीं, एक नियम है, एक सिद्धांत है भैया पर। अब हम अपनी दिनचर्या को देखें, सुबह भी दिनचर्या, तुम तो आते रहोगे जाते रहोगे, हम कब तक कमाते रहे। क्या हमने अपने जीवन को संतुलित किया है? तो जीवन के हर पड़ाव को सम्यक कर दो, संतुलित कर दो, युक्त कर दो, बैलेंस कर दो, तो हम अनासक्त हो सकते हैं। और भगवान कह रहे हैं प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम होना। प्रिय और अप्रिय, जो आपको प्रिय लगे जब वो प्राप्त हो तो हलचल ना हो थोड़ा सा, हमारा उस टाइम चित्त जो है ना ऊंचे स्तर पर चला जाता है, हम कुछ प्रफुल्लित हो जाते हैं, हम अपने को कुछ बड़ा समझने लगते हैं, कुछ खिल जाते हैं। और जब कुछ अप्रिय प्राप्त हो जाए तो वही हम नीचे चले जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हिल जाते हैं, बिखर जाते हैं। हमारा चित्त हिल रहा है, बाहर की परिस्थितियां मेरे अंदर को हिला रही,
मतलब बाहर ही सब कुछ है मेरे अंदर को हिलाने के लिए, मतलब बाहर में इतनी ताकत कि मेरा अंदर वाला हिल जाए। तो अंदर वाला कितना कमजोर है, बाहर वाला कितना मजबूत हमने बना दिया अपने ख्यालों से, विचारों से, अपने चिंतन से। बाहर को बड़ा ना बनाओ, आप बड़े हो, आप आपसे दुनिया है, दुनिया से आप नहीं हो। हमने कहा कि नहीं, दुनिया से मैं हूं तो आपका चित्त हिलेगा, प्रिय घटना घटेगी तो आप खुशी हो जाएंगे, अप्रिय घटेगी तो दुखी हो जाएंगे, और ये चलता रहता है सिलसिला, और चित्त हिलता रहता है, संस्कार बनते रहते हैं, वासनाएं इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं, और जन्म और मृत्यु का जो चक्र है ये लगातार पकता रहता है। चित्त की सफाई का तरीका है संभाव। कुछ प्रिय घटा हो, कुछ अप्रिय घटा हो, आप तो सम हो जाओ ना। हम तो विषम रहते हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं घर वालों ने, हम लगे परेशान होने, भाई ने कुछ कह दिया हम परेशान हो जाते हैं, सास ने कुछ कह दिया हम परेशान हो जाते हैं, बहू ने कुछ कह दिया सास परेशान हो जाती है, हम ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। तो जीवन जी रहे हो क्या? हम अपने आप को कितना कमजोर करेंगे अंदर से? मजबूती कब आए कि बाहर का शब्द का प्रभाव आप पर ना हो? कठपुतली थोड़ी है हम, अध्यात्म कहता है कठपुतली थोड़ी हो, भगवान कह रहे हैं सम हो जाओ ना। क्यों हिलते हिलते, क्या हिलते हिलते ही ये सफर कट जाएगा? ऐसे ही हिलते रहोगे और अंत समय में फिर हिलोगे, ये हिलना बंद थोड़ी होगा, ये तो यूं ही हिलता रहेगा। वो कह रहा है ठीक है, उसके मन की अवस्था है, भाई कुछ कह रहा है, मन की स्थिति उस समय ठीक नहीं है, उसको प्यार करो ना, वो सास को प्यार करो ना, वो बहू को प्यार करो ना, क्यों एक दूसरे को हिलाते रहते हो? हमारे शब्द ही कम नहीं होते, हम टोंटी कसते रहते हैं, हमारा अहंकार इतना बड़ा है कि अपने को बड़ा करने और दूसरे को छोटा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। जो कहने भी नहीं है वो शब्द कहते और बड़ों को कहते हैं, इतनी नाराजगी हम रखते हैं क्योंकि अहंकार बिखरा होता है। भगवान पात्रता को तैयार करवा रहे कि सम होने की कोशिश करो, कुछ अच्छा घटे ठीक है ना, कुछ बुरा घटे ठीक है ना, दोनों में ठीक है ना, मैं वही हूं ना, मेरे में कोई हलचल नहीं है ना, आज अप्रिय घटा कल प्रिय घटेगा और ये घटते ही रहेंगे, घटता ही रहा है। बाहर तो प्रकृति सुबह भी होती है, दोपहर भी होती है, सांझ भी होती है, फिर रात हो जाती है, बदलती रहती है, पत्ते हरे होते हैं, पीले होते हैं, झड़ जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर हरे होते हैं, फिर पीले होते हैं, फिर हवाएं चलती है, फिर झड़ जाते हैं, पेड़ को फर्क थोड़ी पड़ता है, पत्ते आते हैं जाते हैं, पेड़ तो अपना खड़ा है, हर साल आम आते हैं आम चले जाते हैं, पेड़ फिर भी खड़ा है, पेड़ आंसू थोड़ी बहाता है, या जब फल आ जाए तो कुछ खुशी थोड़ी मनाता, वो तो और झुक जाता है, क्योंकि उसे पता है ये प्रकृति का नियम है, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये ऋतुओं का प्रभाव है। ऐसे प्रिय और अप्रिय घटनाएं भी हमारे जीवन में आती रहेंगी जाती रहेंगी, जैसे पेड़ को कोई पत्ते झड़ने पर फर्क नहीं पड़ता, हरे सफेद पीले हो जाने पर फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सम हो जाओ। इस तरह से ये आज नौवां श्लोक, चूंकि बहुत ही अच्छी बातें हमारे लिए बड़ी लाभकारी बातें हैं जो जीवन में हम उसको उतार सकते हैं, इसलिए इनको हम और गहरे स्तर पर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दसवां श्लोक अब हम कल करेंगे, अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उसको बात कर सकते हैं। हरिओम गुरु जी। हरिओम जी। आप सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अला गोस्वामी। तो सुरक्षित जी, जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, संदीप जी का सवाल है, मैं सवाल लेना चाहूंगी। पूछ रहे गुरु जी, दोष दुख का कारण होता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? दोष का निवारण की चिंता और दुख का कारण बन जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। दोष के निवारण की चिंता दुख का कारण बनता है, दोष के निवारण की चिंता, ये चिंता जो है ना, निवारण अपने आप में एक अनूठी प्रक्रिया है। जैसे दुख है, कोई भी दुख होता है,
दुख का एक कारण होता है और उस कारण का नाश हो सकता है और उस नाश के उपाय होते हैं, उसके तरीके होते हैं। हम क्या करते हैं, हम दुख जब घटता है तो उसके कारण पर नहीं जाते, हम दुख को ही पकड़ लेते हैं और दुख की ही चिंता करते रहते हैं। दुख की चिंता करने से दुख बढ़ेगा। लेकिन आप ये बैठकर विचार का मतलब है, दोष के विचार का मतलब है, दुख के विचार का मतलब है कि बैठकर देखें, देखें कि ये दुख क्या है, कहां से आया, कितना है, मेरे जीवन पर कितना प्रभाव डाल रहा है, क्या इसके कारण से जीवन व्यस्त हो रहा है, या ये चीजें घटती रहती, या पहली बार किसी संसार में किसी व्यक्ति के लिए घटी है, या ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लोग आते हैं जाते हैं, जन्म होता है मौत होती है, ये एक प्रक्रिया है, कुछ हटकर तो नहीं घट गया, उससे आप मैं क्यों हिल रहा, ऐसा मेरे में क्या कमजोरी, ऐसा मैं किस पर आश्रित था। तो धीरे धीरे अपने को हम जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, क्योंकि आपने विचार, विचार हमें ऊंचाई पर लेकर जाता है। तो विचिंतन की प्रक्रिया जब हमारी गहरी होती है तो आप दुख से ऊपर उठ जाते हैं, दोष से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि आप परत दर परत अब आप उतार रहे होते हैं। जैसे एक नासूर हो जाए तो अंदर तक उसका असर चला गया, तो डॉक्टर विचार करके गहरे स्तर तक उसका जो कॉज था वहां तक पहुंचता है और कारण से उसको निकाल देता है। तो जैसे वो कारण से निकलता है तो वो जो नासूर था वो खत्म हो गया। विचार भी कारण तक पहुंचता है, दुख के कारण को पहुंचकर उसको समझकर जानकर और उस कारण को ही हटा दो, कारण हटते ही ऊपर का दुख अपने आप हट गया। लेकिन यदि हम कारण पे पहुंचे ही नहीं और दुख को ही हम परेशान होते रहे तो आप देखना लोग 10 साल 20 साल किसी दुख को ढोते रहते हैं, अपने कंधे पे रखे रहते हैं, जब मौका मिलता है उसी दुख में दुखी होते रहते हैं, क्योंकि वो ढो रहे हैं, याद कर रहे हैं उस दुख को, उस दुख का विचार नहीं किया, बैठ कर एक ही बार में डिसॉल्व नहीं किया। जैसे होता है ना, कोई दुश्मनी है किसी से और दुश्मनी ढोए चले जा रहे हैं, ढोए चले जा रहे हैं, भाई से ही है वो 10-20 साल हो गए, बोलना ही नहीं हो रहा है, और बैठ के कभी एकदम विचार करके, बैठ के आपस में बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व होते ही अब बात खत्म हो गई। अब भले आप उससे मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, लेकिन आपके मन में जो एक हलचल पैदा हो गई थी विचार के माध्यम से, उस हलचल को आपने डिसॉल्व कर दिया। और यदि बैठ कर भाई से बात नहीं हो सकती तो अपने के अंदर संवाद के माध्यम से उसको डिसॉल्व कर दो, क्षमा के भाव से डिसॉल्व कर दो। ये विचार की प्रक्रिया दुख से हमें ऊपर उठा दे, विचार की प्रक्रिया दोषों से ऊपर उठा दे, विचार गहरे स्तर पर जाने और दुख केवल मन के स्तर पर, ऊपर के स्तर पर सारे विकार और दुख खड़े हैं, हमें गहरे स्तर पर चित्त तक पहुंचना है और चेतना के माध्यम से उस चित्त की सफाई कर दे। तो ये विचार ऐसे नहीं कि उठते बैठते हो जाएगा, इस विचार के लिए भी आपको ध्यान में बैठना होगा, अपने साथ बैठना होगा और बैठकर उसका चिंतन मनन करना होगा, एक प्रोसेसिंग होगी उसकी, और उसके बाद अपने गहरे स्तर पर जो पड़ा था उसकी सफाई कर दो। जैसे झाड़ू से घर में कोने कोने तक आप सफाई करते हैं ना, एक तो ऊपर ऊपर की सफाई कर दी, एक फर्नीचर हटा हटा कर आपने सफाई की, जाले भी साफ किए, पूरा कोना साफ किया, अच्छी तरह से धो धा के भी साफ किया, तो उसकी चमक कुछ और होगी। एक ऊपर ऊपर से साफ किया, एक तो डीप क्लीन किया, तो दोनों में अंतर है। विचार है डीप क्लीनिंग की प्रक्रिया, विचार है दुख को जड़ से हटाने की और मिटाने की प्रक्रिया। अगला सवाल है, पूछ रहे हैं हमारे दर्शक की मृत्यु का डर कैसे खत्म करें। काफी सारे इससे जुड़े हुए सवाल सुरक्षित जी आते हैं। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर, बिल्कुल डर का आधार, सारे डर इसी मृत्यु के डर पर खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर जीवधारी प्राणी छोटा बड़ा, मच्छर भी मारने जाओ भागेगा, डरेगा, आदमी की तो बात ही कुछ हो रही, वो तो डरा ही रहता है। हम मृत्यु के बारे में सोचकर डर जाते हैं, इसलिए क्योंकि मरना नहीं चाहते। क्यों मरना नहीं चाहते? नहीं, वो मेरा घर है ना, परिवार है, धन है, दौलत है, जो आपसे इकट्ठा किए वो सब छूट जाएगी, फिर पता नहीं क्या होगा। ये जो डर है, क्यों है डर?
न जाने कितने जन्मों तक हम मरे, जब भी पैदा हुए तभी मरे। हर जन्म में जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो मृत्यु के बीच मृत्यु घटी, उस समय जो पीड़ा थी चीजों के छूटने की, आसक्ति के छूटने की, अहंकार के टूटने की, वो जो पीड़ा थी अपने के जाने की उस, और फिर मृत्यु की, प्राणों को जैसे व्यक्ति जीवन जीता है मृत्यु भी उसी अनुरूप घटती है। बिखरा हुआ व्यक्ति की मृत्यु बिखरी हुई होती है, व्यक्ति की अंतिम दिनों से पता लग जाता है कि उसका पूरा जीवन कैसे जिया गया। यदि किसी के जीवन को पूरी तरह से देख लेना हो तो उसका अंतिम समय ही काफी है देख लेने के लिए कि वो प्रेम से समरसता से जिया गया था या वो द्वेष में जिया गया था, घृणा और क्रोध और झल्लाहट और आसक्ति में जिया गया था। अंत समय और मृत्यु का समय बता देता है बहुत कुछ, कह देता है, आईना होता है। तो मृत्यु का डर से ऊपर उठना है, इसको अभिनिवेश कहा गया है। मृत्यु के डर से ऊपर उठने के लिए क्या उपाय है? अगर हम शरीर में खड़े हैं तो कोई उपाय नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस में है कोई उपाय नहीं, घर परिवार धन पुत्र स्त्री पुरुष में है कोई उपाय नहीं, डरे ही रहेंगे, कम ज्यादा डर होगा। आप कह देंगे मरने से नहीं डरता, लेकिन जब जो व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता है वही कहता है कि नहीं डरता, वो डरा हुआ बहुत है ऊपर से कह रहा है, ऐसा कोई है ही नहीं कि मरने से ना डर रहा हो, वो डरता है। तो मौत का डर जीवन भर सताता रहता है, केवल एक ही तरीका है, अपने आप को ध्यान की गहराइयों में उतारना शुरू करो। और जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, मन बुद्धि अहंकार है हमारा, इसके पीछे जो आप हैं, जो आपकी चेतना है, उस तक अपने आप को स्पर्श करना शुरू करो, उससे कनेक्ट होना शुरू करो। जैसे ही हम अपने पीछे जो मैं बह रहा हूं, मेरी धारा बह रही है, उसको टच करना शुरू करते हैं, उसी पल मृत्यु का डर निकल जाता है। क्योंकि उस समय ये भान हो जाता है कि मैं मर ही नहीं सकता, अभी हम वहां खड़े हैं जो मरेगा, हमें वहां आना है जो मर नहीं सकता। डर तब तक है जब तक वहां खड़े हो कि जहां खड़े हो वो मरेगा, शरीर मरेगा, रोक नहीं सकते, और यहां खड़े रहोगे तो डरे रहोगे। तो जब तक शरीर के स्तर पर खड़े हैं डरे हैं, आत्मा के स्तर पर है कोई डर नहीं, क्योंकि आत्मा तो कभी मरी नहीं है, मरी नहीं सकती, क्योंकि आत्मा में जाकर उस चेतना उस कॉन्शियसनेस को अनुभव करके आप विशालता को पाएंगे, आकाश की तरह विशाल। भला जो जितना विशाल होता है उसकी मृत्यु नहीं होती, फिर विशाल का मतलब आकाश तो है ही अनंत, तो आत्मा बिल्कुल अनंत है, कहां मरेगी, कहां मरकर जाएगी, वो तो एक ही है, अनेक है ही नहीं। तो जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में हम उतरते चले जाते हैं, वैसे वैसे चेतना का अनुभव होता चला जाता है, और ये चेतना का अनुभव हमको मृत्यु से ऊपर उठा देता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, वो ऊपर का ढकना होगा, परसोना होगा, मुखौटा होगा, ऊपर से एक लेपन होगा, एक कुछ जैसे मेकअप होता है कि मैं डरता नहीं हूं, लेकिन गहराइयों में डरे हुए हैं। वो गहराइयों में ही यदि चेतना के स्तर पर आ गए तो फिर गहराइयों का डरना खत्म हो गया। इसलिए साधक योगी तपस्वी मुनि डरते नहीं है, क्योंकि डर वहां रहा ही नहीं। जो आत्मा में खड़ा है वो निडर है, अभय है, जो शरीर में खड़ा है वो डरेगा, जरूर डरेगा। हरिओम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने के लिए। अब आप सभी दर्शकों से मुलाकात होगी कल यानी शनिवार सुबह 8 बजे, भूलिएगा नहीं, कल हम आपके साथ जुड़ेंगे, सुरक्षित गोस्वामी जी होंगे लाइव और गीता ज्ञान पर आगे की चर्चा शुरू करेंगे हम। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और मास्क का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।